सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर करने वाले हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है ये जो टॉपिक है दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला हो सकता है काफ़ी दोस्तों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन सभी करके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हम बिल्कुल आने से कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने NDA, UGC नेट दिसंबर दो हजार उन्नीस एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक स्टडी करवाएंगे इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे इस ग्रुप में आपको दोस्तों दस यूनिट के पी स्टडी नोट्स दिए जाएंगे इसके अलावा आपको दो से लेकर दो तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पी दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये देखिए दोस्तों ये हमारा जून 2013 में एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता इसमें बताना है कि हमारा जो डिटेक्टिव आर्गुमेंट है वो कौन सा वैलिड नहीं होगा वो इसमें से हमें बताना है तो इसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो यही हम इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद जैसे ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था एक निगमनात्मक तर्क अवैध होगा यहाँ पे इन्होंने इनवैलिड पूछ लिया और यहाँ पे इन्होंने वैलिड पूछ लिया था वैलिड कौन सा होगा और यहाँ पर इन्होंने इनवैलिड पूछ लिया और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लगभग सेम है इसमें भी ये कहा है कि आधार वाक्य सही और निष्कर्ष सही है इसी तरह की बातें इसमें कही गई है तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान देना जरूरी है और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है अब देखिए ये जैसे इन्होंने जून जुलाई दो में दिया है इन्होंने वही दोबारा फिर बात कही है कि निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनमें से कौन सा सही होगा और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बाद में भी आया 2017 में भी आया 18 में भी आया और 19 में भी आया है इवनिंग की जो वीडियो होगी उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा विद हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन इससे पहले हमें डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं देखिए आर्ग्यूमेंट जो होते हैं दोस्तों वो मेन रूप से हमारे दो तरह के होते हैं जो हमारे यू नेट के अंदर आते।, आते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आते हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और भी काफ़ी तरह के आर्ग्यूमेंट हैं वो हम आगे की वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट क्या होता है तो यहाँ पे दोस्तों आप ये पढ़ सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है दोस्तों ऐसा कोई तथ्य ऐसी कोई बात जिससे हम किसी दूसरे को कन्विंस करके ऐसे ऐसे बात बता के अगले को ऐसे तथ्य दे के जिससे अगला राज़ी हो जाए हमारी बात मानने को तो उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट कहते हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से इसे पढ़ लेना और अब बात आती है जैसे कि सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा डिडक्टिव रीजनिंग आता है इसमें से काफी क्वेश्चन आए हैं बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इसे समझना हमारे लिए प्रमाणित किया जाता है यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों एक चीज हमें पता होती है पहले कोई चीज पता होती है उसके द्वारा कोई ऐसी चीज का पता लगाया जाता जो हमें ना पता हो अननोन हो यानी कि अननोन चीज का पता लगाया जाता है नॉन चीज़ से अन चीज़ का पता लगाया जाता है प्राय ज्ञात सत्यों के आधार पर ज्ञात का मतलब होता है जो चीज़ हमें पता है ज्ञात सत्यों के आधार पर अज्ञात सत्य का निगमन होता है रीजनिंग रीजनिंग फ्रॉम नॉन टू अनॉन ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों नॉन टू अन जो होता है वो डिटेक्टिव रीजनिंग uh, के अंदर होता है और भी कई चीज़ें इसके अंदर वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब देखिए अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं देखिए सभी मनुष्य नस्वर है मोहन मनुष्य है और ये इन्होंने दो तर्क दे दिए अब तीसरा है कि अतः मोहन नस्वर है ये क्या है कि ये इन्होंने निष्कर्ष दिया ये इन्होंने तर्क दिए सभी मनुष्य नस्वर है मोहन मनुष्य है अतः मोहन एक नस्वर है ये देखिए ये चीज़ हमें पता थी और ये चीज़ हमने नई हो जी है भाई अतः यानी कि लास्ट में जो मोहन है वो नस्वर है इस तरीके से हम इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो करते हैं और जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो मैं बताऊं और इससे पहले हमें एक उदाहरण देख लेना चाहिए ये देखिए दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं आधार वाक्य किसे कहते हैं ये होते हैं हमारे आधार वाक्य आपने देखे होंगे यू जी सी नेट एग्जाम में कि सभी कुत्ते स्वतनधारी है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है ये हमारे आधार वाक्य है और इन्हीं आधार वाक्यों के आधार पे हमें इनमें से निष्कर्ष निकालना पड़ता है भी इनमें से कौन सा सही है तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आधार वाक्य कौन से होते हैं और निष्कर्ष कौन सा होता है अब देखिए अब इसमें जो हमारा है इसमें हमें दो से तीन बातें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहली बात निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता अब इसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों ये कह रहा है कि निष्कर्ष निष्कर्ष यानी कि जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा इसमें से हमें एक चूज करना है एक सेलेक्ट करना है इसमें से जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो इसमें से ही निकलेगा इसमें से फालतू तो कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं निकलेगा यानी कि जो भी हमारा निष्कर्ष है दोस्तों वो क्या है कि वो आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं कर सकता समझ में आई बात चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट के अंदर हमें जो भी प्राप्त होगा वो इसी के आधार पे होगा इससे फालतू तो हम रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं दे सकते सबसे पहली बात ठीक है अब दूसरी देखते हैं निष्कर्ष अंतिम रूप से आधार आधारों द्वारा पुष्ट होता है ये बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि जो हमारा निष्कर्ष होता है दोस्तों वो इसी पे डिपेंड करता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है तभी हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे हमें कुछ अच्छे तरीके से नहीं पता है कि आधार वाक्य में क्या दिया है आए, आधार वाक्य अगर इनकम्प्लीट है तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते और इसके बाद में ये भी है कि निष्कर्ष अंततः आधारिकाओं से निकलता है यानी कि फाइनल जो रिज़ल्ट वो केवल और केवल हमारा जो आधार वाक्य है यहाँ पे ये जो दिए हैं इन्हीं से हमारा निकलता है तो ये तीन जो बातें दोस्तों हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि आधार वाक्य क्या होते हैं और निष्कर्ष क्या होते हैं अब डिडेक्टिव रीजनिंग के अंदर दोस्तों पांच और मुख्य बातें हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हीं के बेस पे हर बार एक क्वेश्चन आता है तो वो देखिए हम पांच बातें कौन सी है वो देखते हैं और ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पांच बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं अगर आपको नेट क्वालिफाई नहीं करना है तो आप ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं चलिए ये बातें देखते हैं देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर डिडेक्टिव रीजनिंग के अंदर ये आती है एक सही आधार वाक्य एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं आधार वाक्य देखिए आधार वाक्य सबसे पहले हम देख लेते हैं आधार वाक्य होते दोस्तों हमारे पास दो होते ए और बी हमारे पास होता है और एक उसमें से निष्कर्ष निकलता है यानी कि दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष टोटल तीन चीज़ें हमारे पास होती है अब देखिए इसके अंदर एक सही आधार वाक्य और एक गलत आधार वाक्य हो तो उसका जो निष्कर्ष निकले वो गलत हो सकता है तो ये क्या होगी हमारी वैलिड चीज़ होगी यानी कि वैध तर्क हमारा होगा ठीक है ये बात आपको समझ में आई यानी कि दोबारा फिर समझा देता हूँ कि ए हमारी चीज़ सही हो बी हमारी गलत हो तो जो हमारा निष्कर्ष है दोस्तों वो गलत निकल सकता है तो ये जो होगा हमारा सही होगा ठीक है अब देखते दूसरी दो नंबर पे बात अब देखिए अगर हमारा एक एक सही आधार वाक्य हो और दूसरा गलत हो ये बात हमने देखी ये इसमें देखी कि एक सही और एक गलत हो तो हमारा क्या होगा निष्कर्ष गलत होगा लेकिन अगर एक सही और एक गलत हो तो निष्कर्ष जो है हमारा सही भी हो सकता है ये चीज़ आप देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली है कि अगर एक आधार वाक्य सही है दूसरा गलत है तो निष्कर्ष है वो गलत भी हो सकता है और निष्कर्ष है वो सही भी हो सकता है दोनों चीज़ें हैं तो ये भी क्या होगा हमारा वैलिड होगा चलिए मैं इसमें इसमें आपको समझा देता हूँ देखिए अगर हमारा ए सही है और बी जो है गलत है तो जो हमारा निष्कर्ष है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आई बात समझ में तो अगर सही होगा तो भी हमारा वैलिड है और अगर गलत होगा निष्कर्ष तो भी हमारा आर्गुमेंट है वो सही है उसे हम वैध कहेंगे ठीक है ये दो बात आपको समझ में आई अब तीसरी बात देखते हैं देखिए दो सही आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला तर्क वैलिड होगा यानी कि जो दो हमारे आधार है जो ए और बी मैंने बताया था ए भी सही है और बी भी सही है और जो निष्कर्ष है वो भी हमारा सही निकल रहा है ये दोस्तों सही आएगा रॉन्ग गलत लिख दिया जो निष्कर्ष है वो भी हमारा राइट है तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा वैलिड होगा यानी कि अगर हमारी तीनों की तीनों चीज़ें सही आ जाए ये भी ये भी ये भी तीनों की चीज़ें सही आ जाए तीनों की तीनों तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो भी वैलिड होगा ठीक है अब हम अगली चीज़ देखते हैं अगर हमारी तीनों की तीनों चीज़ें गलत हो ए भी गलत हो बी भी गलत हो और निष्कर्ष भी हमारा गलत निकले तो हमारा क्या होगा आर्गुमेंट वो भी वैलिड होगा ठीक है अब अगली चीज़ देखते हैं जो सबसे लास्ट में आती है इम्पोर्टेंट है काफ़ी अब देखिए नंबर पाँच पे क्या आता है कि आधार वाक्य ए हमारा सही है बी भी हमारा सही है और लेकिन निष्कर्ष है वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा अवैध यानी कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट इसे कहेंगे देखिए इसे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है नंबर पाँच का मतलब क्या है यानी कि आधार वाक्य है हमारे पास कोई दो तर्क दिए गए तर्क ए भी सही है और बी भी सही है लेकिन जो निष्कर्ष निकले वो हमारा गलत निकले तो ये जो आर्ग्यूमेंट होगा दोस्तों ये हमारा गलत होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चन बने हैं चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ उनसे आप बिल्कुल सही आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं अब देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जून 2013 के अंदर आया था इन्होंने कहा है कि निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए मान्य नहीं हो सकता हमें क्या बताना है इनवैलिड बताना है दोस्तों इनवैलिड बताना है तो इनवैलिड देखते इसमें से कौन सा होगा यदि इसके आधार वाक्य सही है और निष्कर्ष सही है अब देखिए अभी हमने बात की कि आधार वाक्य ए और बी दोनों सही है और निष्कर्ष भी सही है तो ये क्या होगा हमारा वैलिड होगा ये बिल्कुल सही बात होगी अगला देखते बी यदि इस यदि इसका इसके आधार वाक्य सही है और निष्कर्ष गलत है अब ये देखिए दोस्तों ये बात आ गई यानी कि इसके अगर निष्क जो आधार वाक्य ए भी सही है बी भी, भी सही है लेकिन निष्कर्ष अगर गलत निकल जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा ठीक है तो ये जो जो आर्ग्यूमेंट होगा ये मान्य नहीं होगा अवैध होगा गलत होगा तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है इसमें दिसंबर दो हज़ार पंद्रह में आया था एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यानी कि इसमें भी इन्होंने इनवैलिड की बात पूछी है कि कौन सा इनवैलिड डिडक्टिव रीजनिंग होगा अब देखिए इसमें कहा है कि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हैं अब ये देखिए इसने कहा है कि सभी असत्य है आधार वाक्य और निष्कर्ष आधार वाक्य ए भी गलत है बी भी, भी गलत है और निष्कर्ष भी गलत निकले तो ये चीज़ तो हमारी बिल्कुल सही है इसे तो हम वैध कहेंगे यानी कि सारी चीज़ें गलत है तो गलत का तो गलत ही रिजल्ट निकलेगा ये बात सही है लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है अवैध यानी कि इनवैलिड चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है अब आगे है इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य अब ये देखिए दोस्तों इसने कहा है कि आधार वाक्य सत्य हो यानी कि मैं समझा रहा हूं आपको कि आधार वाक्य ए भी सही है बी भी, भी सही है लेकिन जो निष्कर्ष वो गलत निकल जाए तो ये क्या होगा दोस्तों ये इसे हम वैलिड आर्गुमेंट नहीं कहेंगे ये हमारा क्या होगा इनवैलिड हो गया यानी कि ये जो आर्गुमेंट है हमारा गलत हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे अवैध तर्क कहेंगे इनवैलिड आर्गुमेंट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कहेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं और यही बात हमने इसके अंदर की थी ये देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा और ये जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बस यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि निगमनात्मक तर्क अवैध होता है और यहाँ पर मान्य नहीं हो सकता बात एक ही है दोस्तों समझने की ज़रूरत है बस घुमा रखा है और आगे दोस्तों आगे हमारा जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है उस कोट का चयन कीजिए जो आधार वाक्य वाले निगमनात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है यहाँ पे क्या बताना है कि सही नहीं है वो हमें बताना है दोस्तों क्या सही नहीं है अब अब ये देखिए दोस्तों ये भी क्या कर रहे हैं यू वाले ये देखिए दोस्तों इसमें भी ये ऑप्शन नंबर टू देखिए दोस्तों इस दो सही आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क अवैध हो सकता है अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम एक सही आधार वाक्य एक गलत आधार वाक्य और एक गलत निष्कर्ष वाला तर्क वैध हो सकता है ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों हमने देखी थी कि ए सही है बी अगर गलत है तो जो हमारा निष्कर्ष है वो दोस्तों सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है दोनों कंडीशन के, के अंदर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो राइट होगा वैलिड होगा ये चीज़ हमने पढ़ी थी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप भूलो मत ये देखिए ये जो हमारी ए है ये और ये जो बी है ये हमने चीज़ देखी थी ठीक है ये आप पढ़ लेना दोबारा और अब देखते हैं जैसे अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर और अब सबसे पहले एक चीज़ देखना कि हमें क्या पता करना है सही पता करना है या गलत पता करना है सही नहीं है इनवैलिड हमें पता करना है अब देखिए अब इसमें आप खुद बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मैं कोई आंसर नहीं बता रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का क्या आंसर होगा जुलाई दो हज़ार सोलह का इसमें है okay. सही आंसर इसका क्या आएगा वो सभी के सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना और इसका जो जवाब है ना दोस्तों जवाब इसी के अंदर है इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ये जो है ना इनके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है और हाँ, आपको ये बताना है देखिए इसके अंदर हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा ए, एक होगा दो होगा तीन होगा चार होगा ये आपको बताना है तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों इसमें हम आपको बिल्कुल आसानी आसान तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन एक बार फिर से करवाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो अब आता है दोस्तों हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क आता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या परिणाम मिलते हैं उसका निरीक्षण किया जाता है और इस तरह अनेक समान वस्तुओं और प्रक्रियाओं में से विशेष तत्वों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते देखिए मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है देखिए आगमनात्मक तर्क के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि हम छोटी 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 चीज़ों को लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद में कोई हम सिद्धांत बनाते हैं इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि हम मान के चलिए एक अलमीरा के अंदर गए तो उसके अंदर जैसे हमने पहली बुक निकाली वो मैथ की निकली दूसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली तीसरी बुक निकाली वो भी मैथ की निकली हमने दस बुक निकाली दस की दस जो बुक है वो हमारी मैथ की निकली तो उससे हमारा क्या मतलब निकला भाई इस अलमीरा के अंदर जितनी भी बुक्स पड़ी है वो हमारी क्या है मैथ की बुक पड़ी है उससे हम एक सिद्धांत हमारा सिद्धांत तो नहीं कहेंगे लेकिन एक राय हमारी बन गई हुई इस अलमारी में जो इस ब्लैक अलमारी में जितनी भी बुक पड़ी है वो हमारी मैथ की बुक पड़ी है क्योंकि हमने दस बुक निकाली कंटिन्यू दस की दस जो बुक है हमारी मैथ की बुक निकली यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें प्रक्रिया से जो हमें निष्कर्ष निकलता है जो राय हमारी बनती है उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में जो अंतर है वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं इसका स्क्रीन ले सकते हैं और इसमें जो जो और इसमें जो दो मुख्य रूप से बातें ध्यान रखने वाली है वो ये है निगमनात्मक पद्धति में सामान्य सिद्धांतों ते डिडक्टिव रीजनिंग में जो मुख्य बात ध्यान रखने वाली है वो ये है दोस्तों इसमें सामान्य सिद्धांतों से विशेष तथ्य की ओर जाया जाता है सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है लेकिन आगमनात्मक में दोस्तों क्या होता है विशेष गुणों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तो ये जो मेजर चीज़ है दोस्तों ये हमें ध्यान रखने वाली है और भी इसमें कई बातें वो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसान है और दोस्तों इवनिंग की जो वीडियो होगी हमारी वो आप बिल्कुल देखना उसके अंदर हम सभी क्वेश्चन करवाएंगे इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन करवाएंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें थैंक यू दोस्तों